कथा ये फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय ए सोर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लेस्ड डी डिस्टेंस फ्रॉम द सेल। ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार आया है, ए फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड। एक फोटो सेल का हम एक बना लेते हैं, अब यहाँ से लाइट का सोर्स है और वो डी डिस्टेंस पर है। चलो एक लाइट का सोर्स है यहाँ से, और ऐसे एक लाइट के सोर्स से फोटॉन्स निकल रहे हैं, बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे हैं यार, बराबर है। तो यहाँ से अगर मेरे पास बहुत सारा फोटॉन्स यहाँ से निकल रहा है, ए लॉट ऑफ फोटॉन्स इज जनरेटेड सोर्स से, ये लाइट का सोर्स है, और यहाँ पर एक मटेरियल लग दिए, इस मटेरियल पे फोटॉन पड़ रहे होंगे, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे होंगे और करंट बन रहा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कुछ, बराबर है। अब कहता है डिस्टेंस डी पर फ्रॉम द सेल, इफ द डिस्टेंस डी बाई टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर, अगर मैं ये पहले डिस्टेंस कितना था, पहले जो डिस्टेंस था वो डी था, पहले डिस्टेंस था वो डी था। अब ये जो डिस्टेंस है, इस जो फोटोसिंथेटिव मटेरियल था उसको मैं डी बाई टू पर लेके आया, यहाँ से डी बाई टू पर लेके आ गया डी बाई टू। तो जो ऐसे जो फोटॉन्स की बीम आ रही है, तो जब सोर्स पास में कर दोगे तो फोटॉन्स पड़ने वाले, इस पे जो फोटॉन्स पड़ रहे हैं, थोड़ा सोचो, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की अगर संख्या बढ़ जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फोटो सेल से करंट बढ़ जाएगा। तो हमें करना है कि आप देखो सेम तो नहीं रहेगा, ये तो बिल्कुल गलत है, सेकेंड केस में ट्वाइस भी नहीं होगा, डी हाफ किए हो तो जो है इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, दैट इज पावर एंड दैट इज पावर और एरिया 4 पाई आर स्क्वायर पॉइंट सोर्स के लिए। तो इंटेंसिटी I2/I1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी R2/R1 का स्क्वायर, और R2 सेकेंड केस में R2 जो है वो D/2 है, और फर्स्ट केस में D था का स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/4। मतलब जो I2 की जो वैल्यू है, दैट इज I2 की वैल्यू जो I1/4। ठीक है, तो अब देखो इस पे जो इंटेंसिटी पड़ रही है I2, यहाँ से मिस्टेक हो गया क्या, पहले डिस्टेंस डी था अब D/2 हो गया, तो I2/I1 इनवर्स में है ना यहाँ, तो इसको हम ये इनवर्स में चल रहा, तो ये यहाँ से इसको I1/I2 कर लेते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से इसको मैं फिर से सही कर लेता हूँ, तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू जो I2 चाहिए ना हमें, I2 की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, I2 की वैल्यू दैट इज 4 टाइम्स I1। ऑब्वियसली देखो सेकेंड केस में ज़्यादा फोटॉन्स उस मेटल पे पड़े हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। जितना ज़्यादा फोटॉन्स पड़ेंगे उतनी ज़्यादा करंट बनेगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन सही है।